मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, जहां शिवराज की एक आपत्तिजनक पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। यह पोस्ट बिट कांग्रेस नाम के ट्विटर अकाउंट से वायरल हुई है, जिसमें लिखा है मामा का श्राद्ध। श्राद्ध में भाजपा ने दिया मामा को टिकट, जहां अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अब आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं TNCP एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी बहेरिया तिराहा सागर। शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने पलटवार करते हुए लिखा है कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा, गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है। आपको लगता है कि ईश्वर इससे इस बार आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? वही ट्वीट वायरल होने के बाद सिंधिया ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, राज्य चुनाव में अपनी आई हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और राजनीति के भीतर सुचेता भाषा व सम्मान को भूल चुकी है। रोज नए नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मनाना है तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। माननीय मुख्यमंत्री के साथ करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है। जिस भ्रष्ट और अहंकारी राजनीति की राह कांग्रेस ने पकड़ी है, वहीं उसे उसके अस्तित्व के अंत तक ले जाएगी। तो वहीं इस पोस्ट के बाद कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बाबेले ने सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि कार्तिकेय, आपके पिता को ईश्वर दीर्घायु दे। यह ट्वीट कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा में आपके पापा के दुश्मनों ने किया है। कांग्रेस का विरोध शिवराज की जन्म विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। फिलहाल इस ट्वीट के बाद राजनीति में एक भूचाल जरूर आ गया है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।